हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है, मतलब हमारे पास क्या होगा, एक इक्वेशन होगी हमारे पास, क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब हमने इसका जो सोल्यूशन है हम क्या निकालना है, ग्राफ पे निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्या करना है, पहले तो हमें ये इक्वेशन ली, इससे सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स या वाई की वैल्यू कर लेंगे, क्या करेंगे, एक्स या वाई की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से वाई में बी वाई को क्या आ जाएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे हम, ए एक्स प्लस सी, मैंने माइनस को कॉमन रखा, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस ए एक्स प्लस सी अपन बी। उसके बाद ये इक्वेशन बनी, उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पुट करना है एक्स को, कुछ भी ले लो, एक्स को ले लो वन ले लो, एक्स को वन लिया तो वाई कुछ ना कुछ मिल जाएगा, फिर एक्स को दोबारा ले लो टू ले लो, मतलब अपनी मर्जी से कोई नंबर पुट करने हैं हमने, ये लिया हमें क्या मिलेंगे, दो पॉइंट, हमें दो ही वैल्यू पुट करनी है, और भी कर सकते हैं हम, कम से कम दो पुट करनी है, क्लियर। तो अब तीन पुट करते हैं, चार पुट करते हैं, फिर हमें ग्राफ थोड़ा लंबा बनेगा। तो यह है कि जब हमने ये बनाया, हमारे पास क्या बनेंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो भी पॉइंट अगर होंगे तो वो क्या रेक्टेंगुलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर दे लेंगे जीरो, यू नो ये वन टू थ्री फोर, इसका डिस्टेंस रखेंगे वन टू थ्री, इस तरह से यहाँ पे जाएगा माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री, ये माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री, इस तरह से यहाँ पे जो पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे क्या एक्स वन का भाई, एक्स ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो क्या आएगा, जैसे एक्स यहाँ पे है तो वाई क्या पता क्या है, कुछ भी हो सकता है, जहां पे होगा वो उस पॉइंट को वहां पे बना देना है, ऐसे ऐसे लिख के, जो भी पॉइंट आप इस तरह से उनको हमें क्या ज्वाइन कर, देख रहे हैं कहाँ से जा रही है, ओके। ये इस तरह से ग्राफ बना देना, जैसे मैंने क्या लिया हुआ, एक एग्जाम्पल ली हुई है, क्या एग्जाम्पल दी है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू टू, वाई माइनस एक्स इक्वल टू है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले वी हैव, ओके क्या लेंगे हम, वी हैव वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू टू, तो यहां पे क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, एक्स को इस तरफ लेंगे, क्लियर। तो क्या करेंगे हम, इसको रखेंगे नंबर वन, नाउ पुटिंग एक्स इक्वल्स टू क्या लिया हमने, वन इन स्टार वन कॉमा वी गेट, जब हम एक्स को क्या ले रहे हैं, वन ले रहे हैं, तो हमारे पास की वाई क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू वन प्लस टू, इट मीन्स वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, थ्री, राइट, वाई क्या आ गया, थ्री। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लिखते जाएंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आएगा एक्स और ये क्या आएगा वाई, भाई एक्स क्या लिया था हमने, बन लिया, और वाई क्या आ गया हमारे पास, थ्री, क्लियर। नाउ अगेन पुटिंग एक्स इक्वल्स टू क्या ले रहा, ले रहा हूं मैं टू ले, चलिए टू इन स्टार वन कॉमा वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, ये आएगा वाई इक्वल्स टू टू प्लस टू, तो कितना आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, फोर। इसका मतलब हमने एक्स को क्या लिया था, टू, और वाई कितना मिल गया हमें, फोर, क्लियर। ये मतलब सर, अगर हम एक और पॉइंट लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, जैसे एक और पॉइंट लेना हो तो क्या ले लेंगे हम, कुछ भी ले लो, मैं माइनस वन ले लेता हूं इस बार, ओके। नाउ अगेन पुटिंग एक्स इज टू माइनस वन इन स्टार वन कॉमा वी गेट, क्लियर, दे दिया, तो क्या मिलेगा हमें, वाई इक्वल्स टू, वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, जब जहां पे पुटा रही है माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, वन आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, जो एक्स को माइनस वन लिया और वाई कितना आया, वन आया, ओके। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करेंगे हम, ग्राफ ड्रॉ, ग्राफ कितना से करेंगे हम, इसको कर दूं मैं इरेज, तो
सबसे पहले क्या लेंगे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्लियर क्या आएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स, ये क्या आ गया हमारे पास वाई, और ये क्या आ गया एक्स डैश, और ये क्या आ रहा है हमारे पास वाई डैश, क्लियर जीरो, ये क्या आएगा वन टू थ्री फोर, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना वन टू थ्री, थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, ये कितना आ गया फोर, क्लियर इस तरह से भी ले सकते हैं हम, ये क्या आएगा माइनस वन माइनस टू, ये मैं ग्राफ आपने ग्राफ पे बनानी है, जब ग्राफ पे बनाओ तो इजिली वहां पे पहले ही पॉइंट बने होंगे, सीधे हमने नंबरिंग देनी है, ठीक है जाए वन टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ओके जी आया माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री, देखिएगा एक्स एक्स क्या है वन है, सुनो एक्स जे वन यहाँ पे है और वाई क्या थ्री है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, समझे आप ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट क्या बने बिल्कुल सीधे आएगा, ये पॉइंट जो बनेगा ये बनेगा वन कामा थ्री, ओके अब क्या ले रहे हम एक्स को क्या लिया हमने टू, क्या लिया टू, तो वाई क्या बनेगा मैं इसको इरेज करता हूँ, वाई हमारे पास क्या आ रहा है एक्स टू आ रहा है वाई आ रहा है फोर, तो ये बिल्कुल इसके सीधे यहाँ पे, ओके ये यहाँ पे आएगा हमारे पास, क्लियर तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, इसको लेंगे हम टू कामा फोर, ये पॉइंट बन गया, ओके फिर एक्स को क्या लिया था हमने माइनस वन, एक्स माइनस वन तो वाई कितना आ रहा है वन आ रहा है, देखो एक्स माइनस वन है वाई वन है, इसका मतलब ये बिल्कुल इसके सीधे और इसके सीधे आएगा, क्लियर ये यहाँ पे बनेगा हमारे पास, ये क्या बन गया माइनस वन कामा वन, ओके जय इसका नाम आप दे दो ए ऑफ, ये बी ऑफ और ये सी ऑफ दे दो, और देखो इनको ज्वाइन करना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास, क्या बनेगी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ओके जे हमारे पास क्लियर जे इसको मतलब जे हमारे पास क्या बन गया जे सॉल्यूशन आ गया किस लाइन का एक्स इक्वल टू क्या था हमारे पास वाई माइनस एक्स इक्वल टू टू था जे वाली इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्लियर इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ओके इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे वो लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे आएगा जो ये प्लॉट किया हुआ है प्लॉटिंग द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट है वन कामा थ्री टू कामा फोर एंड माइनस वन कामा वन मतलब ए आप लिख सकते हो बी आप लिख सकते हो और सी आप लिख सकते हो क्लियर ये हमारे पास आया ऑन द ग्राफ पेपर एंड ड्राइंग ए लाइन ज्वाइनिंग डैम ओके ज्वाइनिंग डैम कामा वी ऑब्टेन क्या मिल रहा है हमें ग्राफ ऑफ द वी ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय द कौन सी क्वेश्चन जे वाली बाय द गिवन इक्वेशन एज शोन इन द फिगर जे वाली वो फिगर है क्लियर जे मेरे पास है ओके ठीक है ओके थैंक यू जय हिंद जय भारत